गाइस, आज हम रक्षाबंधन मेकअप लुक तैयार कर रहे हैं। तो इससे पहले अपनी स्किन को पहले रेडी कर लो, क्योंकि मेकअप अगर अंदर चला गया तो फिर बहुत सारे एक्ने पिंपल हो जाएंगे। तो अच्छे से मैंने अपनी स्किन को रेडी कर लिया है। ये ले लिया मैंने लोटस का फाउंडेशन, एंड मैं पहले तो पंप से ही लगा रही थी, उसके बाद में आई वॉज फील कि मुझे डॉट डॉट करके लगाना चाहिए, एंड फिर मैंने सारे पे डॉट डॉट करके लगा लिया। एंड अब हम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। ये फाउंडेशन को ब्लेंड करते टाइम आप देखिए, आपका जो स्पॉन्ज होगा या फिर जो भी ब्यूटी ब्लेंडर आप यूज करते हैं, उसे एक बार पानी में भिगो लीजिए, अच्छे से निचोड़ लीजिए, और फिर उसके बाद में आप अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कीजिए। आप देखेंगे बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है और फिर वाटरप्रूफ भी रहता है ये। एंड में यहाँ पर आपको डिफरेंस भी दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो गया है और बहुत जल्दी ये हो गया। उसके बाद में हमें कंसीलर अप्लाई करना है। जिस भी पोर्शन को आप हाईलाइट करना चाहते हैं वहां पर आप अच्छे से कंसीलर को लगा लीजिए, आईज पर, नोज पर, फोरहेड पर, लिप्स के अराउंड अगर आपके डार्कनेस है तो वहां पर आप अच्छे से लगा लीजिए कंसीलर को। एंड अगेन हमें इसे करना है बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड। जब आप इसे बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे, अब हमें अपना नेक्स्ट स्टेप करना है, वो है कॉन्टोरिंग। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। उसके बाद में इसे ब्लेंड करने के बाद कॉम्पैक्ट पाउडर से सभी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हम सेट कर लेंगे, ताकि हमारा मेकअप निकले ना। अब हम करेंगे अपनी आईब्रोज को फिल। जब हमारी आईब्रोज फिल हो जाएंगी, एंड आते हैं अब अपने आई मेकअप की तरफ। क्योंकि मेरी साड़ी पर्पल और गोल्डन कलर की है, तो फिर मैं कुछ लाइट शेड ले रही हूँ, एंड एक्सेस अमाउंट हम आई शेडो की निकाल देंगे। उसके बाद में ये लाइट गोल्डन से हम कट क्रीज बनाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से हमें ब्लेंड करना है। ऐसा नहीं है कि मेकअप मतलब बिल्कुल ऐसा लगे कि हैवी है या बहुत ही बेकार है। बहुत अच्छे से ब्लेंड करने के बाद में अब मैंने ये ले लिया है पर्पल शेड। अब मैं इसे भी बहुत अच्छे तरीके से कर लूंगी ब्लेंड। अगर आप मेकअप के सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं और बहुत अच्छे से ब्रश को अप्लाई करना जानते हैं, तो फिर आपका मेकअप बिल्कुल नेचुरल लगेगा और बिल्कुल भी केकी सा और हैवी सा नहीं होगा। एंड इसके बाद में अब मैं ले रही हूँ गोल्डन शिमरी सी शेड, और फिर मैं फिंगर से ही अप्लाई कर लूंगी, एंड ये मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। एक्सेस अमाउंट जो होगी आईज के नीचे, उसे हम कंसीलर से अगेन अच्छे से हटा देंगे, एंड इसके बाद में हम अपना आईलाइनर लगाएंगे। जब हमारा आईलाइनर बहुत अच्छे से लग जाएगा, तो उसके बाद में हम अप्लाई करेंगे मस्कारा। मस्कारा आप अप्लाई करते टाइम ध्यान रखिए कि आप अपनी आईज में मत लगा लेना, बहुत आराम से लगाइए। एंड उसके बाद में हम व्हाइट काजल लगाएंगे। मैंने यहाँ गलती कर दी है, मुझे नीचे आई शेडो पहले लगाना था, उसके बाद में मुझे व्हाइट काजल लगाना था, बट कोई बात नहीं। अब हमें अप्लाई करना है ब्लश। ब्लश हमें अपने चीक्स पर, हल्का सा नोज पर, हल्का सा चिन पर अप्लाई करना है, और सभी तरफ अप्लाई करने के बाद में हमें करना है इसे ब्लेंड। जब ये ब्लश हमारा अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, इसके बाद में अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है हाइलाइटिंग का। बहुत अच्छे से अपने चीक्स पर, नोज पर, लिप्स के ऊपर, फोरहेड पर, चिन पर हाईलाइट कीजिए। मेकअप में चार चांद लगा देता है ये। पूरे मेकअप में सबसे ज्यादा जो जान डालता है वो है आपका हाइलाइटिंग वाला हिस्सा। तो अब हम करते हैं अपने लिप्स पर लिप लाइन। जब भी आप लिप लाइन करें, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से करें। अच्छा, आप सब मुझे बताइए कि इस राखी आप सब क्या पहनने वाले हैं, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए। अब हमें लिपस्टिक लगानी है। आप बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए लिपस्टिक को भी अपने लिप्स पर। ओवर नहीं होनी चाहिए, केकी नहीं लगनी चाहिए। दिस टाइम इज अब हम होते हैं रेडी। ये देखिए, पहन ली है मैंने साड़ी झुमके, एंड अब हम बनाते हैं अपनी हेयर स्टाइल। सिंपल सा जूड़ा बना लेंगे, आगे से थोड़ी सी लट निकाल लेंगे। इसके बाद में मेरे पास में ये आर्टिफिशियल गजरा था, बहुत अच्छे से ये लग जाता है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरफ से आपको मिल जाएगा, और बहुत जल्दी ही बन जाती है ये वाली हेयर स्टाइल। एंड इसके बाद में हम लगा लेंगे बिंदी, क्योंकि बिंदी लगाने से मेकअप बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। और ये रहा मेरा राखी मेकअप लुक। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, एंड इस राखी कौन कौन साड़ी और मेकअप ये वाला करने वाला है मुझे बताना। एंड गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। इन्हें भी वीडियो में आना था, परेशान कर रखा था। एंड लुक एट दिस स्माइल यार, सो क्यूट।